विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इनेलो की तरफ से किया गया है। कलायत विधानसभा हलके से रामपाल माजरा, जो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की। अब कलायत विधानसभा सीट जीतने की जिम्मेदारी भी पार्टी ने दी है। लाडवा विधानसभा हलका से शेर सिंह बड़शामी, नारनौद विधानसभा हलके से उमेद लोहान, बहादुरगढ़ विधानसभा से पूर्व विधायक स्वर्गीय नफे सिंह राठी की धर्मपत्नी श्रीमती शीला राठी, रानिया विधानसभा हलके से अर्जुन सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला के बेटे, हथीन विधानसभा हलके से तैयब हुसैन भूमशिका, कालामवाली विधानसभा से मास्टर गुरतेज सिंह सुखचैन को उम्मीदवार पार्टी ने घोषित किया है। इस दूसरी सूची के 7 उम्मीदवारों समेत इनेलो के 11 और बसपा के 4 उम्मीदवारों को मिलाकर कुल 15 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। एक बार फिर आपको बता दें, इनेलो की तरफ से अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। आज ही कलायत में रैली कर चुनाव प्रचार का आगाज किया था एनएलडी की तरफ से। एनएलडी इस बार बसपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव में उतरी है और इस रैली के साथ ही अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी इनेलो ने जारी कर दी है। और इस वक्त इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा मेरे साथ फोन लाइन जुड़े हैं। रामपाल माजरा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं एक बहुत मीटिंग में हूँ, सो दैट मुझे कम सुनाई दे रहा है, आप ऊंची आवाज में कहें। बिल्कुल ऊंची आवाज में ही बात करूंगी आपसे। पहले तो बधाई आपको कि क्लास से टिकट मिल गई है, आपकी पार्टी दूसरी लिस्ट जारी की है, क्या रणनीति पार्टी की? हमारी पार्टी की रणनीति है, हम गैर बीजेपी गैर कांग्रेस सरकार बनाएंगे, सम विचारों के लोगों को साथ जोड़ेंगे और हरियाणा प्रदेश में हमारी अच्छी उपस्थिति होगी, हम मेजोरिटी के साथ आएंगे। ये जो बड़ी बड़ी सीटें हैं लाडवा, चाहे आपकी कलायत सीट हो, यहाँ पर विरोधी भी बड़े दिग्गज नेता उतारेंगे। चाहे लाडवा की सीट पर तो नाम खुद मुख्यमंत्री का चल रहा है, ऐसे में शेर सिंह बड़शामी हो या आप हो, नानो सीट हो जहाँ से उमेद लोहान को टिकट दिया है, कैसी टक्कर मानकर चल रहे हैं आप लोग? सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार उतारा ही करते हैं, खाली कौन छोड़ता है। तो हमारी पार्टी बड़ी दमदारी के साथ हरियाणा प्रदेश में अपने गठबंधन साथी के साथ लड़ेगी, हमें इस बात की परवाह नहीं कौन आगे जाएगा, कौन बीजेपी का होगा, कौन कांग्रेस का होगा, इस बात से हमें क्या लेना देना, वो अपनी पार्टी के अपने से हमें आंख करके उम्मीदवार उतारेंगे। हमने अपनी जो सूची जारी की है वो हमारे आंखें परखे हुए लोग हैं, वो बहुत मजबूत हैं। बसपा के आने से कितनी मजबूती आप लोगों को मिल रही है, क्या उम्मीद है, क्या एनएलडी बसपा कुछ नया चमत्कार हरियाणा की चुनावी राजनीति में कर पाएंगे? बिल्कुल, हमें पूर्ण उम्मीद है, बीएसपी के समर्पित कार्यकर्ता और इंडियन नेशनल लोकदल के समर्पित कार्यकर्ताओं का जोड़ है, वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल माजरा जी न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए कि बसपा के साथ गठबंधन है, पूरी उम्मीद है कि वो जीतेंगे। एक बैठक में बिजी थे, वक्त निकाला और बताया कि हमने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, सामने कौन होगा इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता, हर राजनीतिक दल अपने मजबूत उम्मीदवार को ही चुनावी रण में उतारती है और हमने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। रामपाल माजरा को कलायत से विधानसभा का टिकट इनेलो ने दिया है और साथ ही आपको बता दें जो बाकी नाम है, बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से पूर्व विधायक स्वर्गीय नफे सिंह राठी की धर्मपत्नी को उम्मीदवार बना है शीला राठी, चुनाव लड़ेंगी। रानिया विधानसभा हलके से अर्जुन सिंह चौटाला खुद चुनाव मैदान में है। हथीन विधानसभा से तैयब हुसैन भीमशिका, कालावाली से मास्टर गुरतेज सिंह सुखचैन को उम्मीदवार बना है। तो विधानसभा क्षेत्र कला है जहां से रामपाल माजरा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी है रामपाल माजरा, और कलायत सीट से उन्हें इनेलो ने अपना टिकट दिया है, बड़ी जिम्मेदारी। कमलेश ढांडा यहां से सरकार में मंत्री रही बीजेपी की तरफ से, वो एक बार फिर से यहां से चुनाव मैदान में अपनी दावेदारी ठोक रही है, लेकिन इनेलो ने अपने उम्मीदवार को लेकर पत्ते खोल दिए हैं। रामपाल माजरा पहले भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार फिर से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है। एनएलडी बसपा के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरी है और इनेलो के नेताओं को ये उम्मीद है कि बसपा के साथ आने से दलित वोट बैंक भी उनका बढ़ेगा, इससे चुनावी फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव जीतकर आएंगे।